अक्सर आप देखते होंगे कि सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी सच है कि अगर सब्जी में नमक ना हो तो खाने का स्वाद अधूरा सा लगता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत से भारतीय अपने भोजन में अत्यधिक मात्रा में सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ओर जहां नमक हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी अधिकता आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब अगर आप सफ़ेद नमक से होने वाले दुष्परिणामों से बचने के लिए अपनी डाइट में काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि आपको किन किन गंभीर बीमारियों से दूर रखेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं काले नमक से होने वाले फ़ायदों के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि काले नमक का इस्तेमाल कई प्रकार के पाचन चूर्ण और घरेलू पाचक गोलियों को बनाने में किया जाता है। ये कब्ज, पेट में जलन, गैस और पेट से जुड़ी तमाम बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करता है। अगर आप अपने पेट को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा सफ़ेद नमक की जगह काले नमक का नियमित इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। ये खून को पतला बनाता है ताकि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो सके। इसके नियमित सेवन से हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि सफ़ेद नमक कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जबकि काला नमक कई बीमारियों के इलाज में कारगर माना जाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों को थोड़ी राहत पहुंचाता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।